क्लास आई एम अर्जुन मिश्रा एंड टीचिंग मैथ्स ऑफ योर क्लास सेवन डे कैंडिडेट्स। आपका चैप्टर एक्सपोनेंट चल रहा था, आज मैं कुछ आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ। बेटा नाइन का फर्स्ट पार्ट नहीं, चर्चा कर नाइन के फर्स्ट पार्ट की कर चुके थे, इसका चौथा पार्ट देखते हैं। नाइन का चौथा पार्ट कि किस तरीके से हमको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन आपको दिया है टू की पावर टू मल्टीप्लाई टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई फाइव की पावर फोर अपॉन टू की पावर फाइव मल्टीप्लाई फाइव की पावर थ्री। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब आपको इसको सिंपलीफाई करना है, तो यहां से ध्यान दीजिए बेटा कि बेस इक्वल है तो टू की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर फाइव हो जाएगी, यानी टू प्लस थ्री फाइव, और इधर 5 की पावर 4 आपको ऑलरेडी दी है, और नीचे आपको 2 की पावर 5 5 की पावर 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 5 2 की पावर 5 कैंसिल हो गया, ऊपर 5 की पावर 4 है, नीचे 5 की पावर 3 है, बेस इक्वल है बेटा, लेकिन डिवाइड है। तो डिवाइड की कंडीशन में जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी ये हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 3 यानी 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब 5। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट। देखिए बेटा 10 का थर्ड पार्ट कह रहा है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 15 की पावर 2। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा, तो यहां से ध्यान दीजिए 3 की पावर 2 दिया है, 5 की पावर 3 दिया है, अपॉन 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं कि होल पावर 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिए 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन, अब देखिए 3 इंटू 5 की पावर 2 है, तो यानी इसको हम 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो यहां से ध्यान दीजिए 3 की पावर 2 3 की पावर 2 कैंसिल हो गया। तो अब वही ऊपर वाली कंडीशन, बेस इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी 5 की पावर 3 माइनस 2 यानी 5 की पावर 1 का मतलब 5। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें, 11 का आपका सेकंड पार्ट, 11 का सेकंड पार्ट देखिए कह रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 2 इंटू 15 की पावर 2। ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो अब बेटा इसको इसी बेस पे आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। कैसे करना है, देखो हम 6 को 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं लाइक दिस, इसकी तरह, और जब ऐसा करेंगे तो ध्यान दीजिए, और 15 को 3 इंटू 5 की पावर 2 इस तरीके से, तो इस जब इस टर्म को आप ब्रेक करेंगे तो देखिएगा 2 3 5 की तरह नीचे वाले टर्म से ब्रेक हो जाएंगे, और आसानी से जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए, और उसके बाद अगर पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिवाइड कंडीशन में, उसके बाद जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क में आपको करना है, और आगे के क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करने हैं, बाकी कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।